सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी है बहुत ही क्रिस्पी यमी। ये इवनिंग टाइम के लिए परफेक्ट रेसिपी है, इवनिंग स्नैक्स आप कह सकते हो इसे। तो यही रेसिपी मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आपसे, तो इसे ही देखते हैं हम कैसे बनता है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कुछ पालक, फ्रेशली चॉप पालक को अच्छी तरह 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश करके हमने पालक ले ली है। अब कितनी होगी इसकी क्वांटिटी, शायद 250 ग्राम होगी। देन इस पालक को हमने बारीक काट लिया है। इसमें हम कुछ वेजीज ऐड करेंगे, आपको जो पसंद है आप वो ऐड कर सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं। हमने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उन्हें हमने इस तरह से बारीक काट लिया है, पतला पतला सा। बाकी वेजीज में हमने लिया है यहाँ स्लाइस्ड अनियन, और लिया है 1 बड़ी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और लिया है लहसुन, गार्लिक, गार्लिक भी क्रश्ड ही है, थोड़ा सा हमने उसको कूटनी में क्रश करके ही यूज़ किया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देन अब हम डालेंगे इसको क्रिस्पी बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे चावलों का आटा, राइस फ्लावर, और 3 चम्मच भर के डालेंगे हम इसमें बेसन। देन इन सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और अब हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। सॉरी, मैंने पहले बेकिंग पाउडर बोल दिया था शॉर्ट्स में, तो बेकिंग सोडा डलता है पकौड़ों में। बाकी इसके बेसिक मसाले डालेंगे जिसमें हमने डाला है नमक, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर डालेंगे 1 चम्मच फुल, जो कि ये स्टेप के बाद है, ये है धनिया पाउडर, ये भी 1 चम्मच फुल डलेगा। देन अब डल रहा है अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी अभी नहीं चाहिए होगा, जैसे कि आपको पता ही है पालक का अपना ही पानी और भी वेजिस का अपना पानी सॉल्ट डालने से रिलीज़ होता है, तो हम पानी बहुत ही कम ही ऐड करेंगे। पहले ऐसे ही ड्राई मिक्स करेंगे, पानी चाहिए होगा, वैसे तो बहुत ही कम चाहिए होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, जितना आपको चाहिए होगा बैटर के लिए। ये जो मिक्स बन रहे हैं पकौड़ों का मिक्स बैटर ही है वो ना, थोड़ा सा मुझे ये कम लग रहा था बेसन, तो मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन और डाल दिया है। देन अब ये पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं चुल्ली से कैसे पानी डाल रही हूँ इसमें, इस टाइप से थोड़ा सा ही ऐड करा मैंने पानी, ज़्यादा तो नहीं करा, नहीं तो फिर बहुत ऑयली बनेंगे और ये संभल में भी नहीं आएंगे, बिखर से जाएंगे इस टाइप से। बस आप देखिए इस टाइप से ही जो उसका आउटकम है बहुत ही क्रिस्पी और यमी बने थे, वो राइस फ्लावर की वजह से बहुत क्रिस्पी बन गए थे। और इस टाइप से पकड़ पकड़ के आप सारे फ्राई कर लीजिए, डबल फ्राई भी कर सकते हैं आप इसको और ज़्यादा अगर क्रिस्पी करने हैं। वैसे सिंगल फ्राई में भी बहुत अच्छे बन गए थे, आप देखिएगा। ये सुपर क्रिस्पी पकौड़े बन के डन हो गए हैं, हमारा फर्स्ट बैच रेडी है, इसे हम निकाल लेंगे। देन सेम प्रोसेस से अपना अगला बैच भी डालेंगे, देन इसे सर्व कर लेंगे। ये क्रिस्पी से यमी पकौड़े डन हो गए हैं, इवनिंग टाइम के लिए परफेक्ट स्नैक्स हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देन इसके बाद अब मैं खाऊंगी, इतने टेस्टी बने थे ना, आई कैन टेल यू। ट्राई करिए, आप इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं और पनीर भी डाल सकते हैं, तो ये मिक्स वेजिटेबल पकौड़े हो जाएंगे। तो
ट्राई करिएगा. ओके, इट्स ऑसम. ट्राई दिस रेसिपी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय, टेक केयर.